सपोज एमआरपी की बात आती है, जैसे कि दूध का 10 रुपया या 8 रुपया एमआरपी है, तो वो 10 रुपया वो लेता है, दुकानदार 10 रुपये लेता है, मजबूरन उसको लेना पड़ता है कहीं के, क्योंकि और दूसरे दुकान में भी वैसे ही एमआरपी से वही रेट में मिलता है, मजबूरन देता है। तो यहाँ पर अपने दिल से राजी नहीं है, फिर भी ये जायज है कि नहीं? भाई का सवाल जो मैं समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि एक दुकानदार है जो 8 रुपये का दूध है वो 10 रुपये में बेचना पड़ रहा है उसे, क्योंकि बाकी लोग 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो फिर भी वो राजी है 10 रुपये में बेचने में। सवाल यहाँ ये है कि जो कस्टमर आ रहा है वो देखता है इस पे तो एमआरपी 8 रुपये लिखे हैं, फिर आप 10 रुपये क्यों मांग रहे हो? तो वो 8 रुपये लिखे हैं तो क्या वो फॉलो करना लाजिम है या नहीं है? हाँ, ये एक सवाल। तो हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट है जिसमें कोई एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर की जा रही है, कि जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक है जो दुकान से जाके लिए तो एक बात है, लेकिन होटल में बैठकर पी रहे हैं तो वो होटल की सर्विस ऑफर हो रही है, वेटर आ रहा है, फैन चल रहा है, जगह है जो ऑक्यूपाई कर रहा है आदमी, तो वो 8 रुपये की जो कोल्ड ड्रिंक है हो सकता है होटल वाला 15 रुपये लेगा। तो एक सर्विस जो ऑफर कर रहा है उसके तहत है, तो एमआरपी पे स्टिक करना ही होगा कि एमआरपी पे ही डीलिंग हो, ये कोई लाजिम हम नहीं कर सकते हैं, ये हम लाजिम नहीं कर सकते। अल्लाह हु आलम, अल्लाह नोज बेस्ट अबाउट इट।